हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश पोएट्री फर्स्ट पेपर। टुडे आवर टॉपिक इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री। द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ ए ड्रामेटिक स्पीच स्पोकन बाय वन पर्सन। इट हैज़ ड्रामेटिक क्वालिटीज लाइक ड्रामेटिक सिचुएशन, कैरेक्टर्स एंड atmosphere and poetic qualities like thought, emotion, imagination, imagery. Okay. The dramatic monologue is a combination of drama and poetry. The dramatic monologue is a dramatic speech spoken by one person. It has dramatic qualities like dramatic situations, characters and atmosphere, and poetic qualities like thoughts, emotions, imagination, imagery. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिश्रण किसका? ड्रामा का एंड पोएट्री का। ओके, ड्रामा मीन्स नाटक और पोएट्री मीन्स क्या होता है? काव्य। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका? ड्रामा का एंड पोएट्री का। द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ ड्रामेटिक स्पीच। ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है एक तरीके से ड्रामेटिक स्पीच है। ठीक है, स्पीच माने क्या होता है? भाषण। स्पोकन बाई वन पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा बोला गया? एक व्यक्ति के द्वारा। इट हैज़ ड्रामेटिक क्वालिटीज। अच्छा, इसमें कुछ ड्रामेटिक क्वालिटी भी होती है, लाइक ए ड्रामेटिक सिचुएशन। जैसे जो सिचुएशन है ना, वो भी ड्रामेटिक होगी इसमें। मतलब जो परिस्थिति है, वो भी कैसी होगी? नाटकीय होगी। कैरेक्टर्स एंड एटमोसफियर। अच्छा, जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, और एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर माने वातावरण है। और जो पोएटिक क्वालिटीज हैं, काव्यात्मक गुण हैं, लाइक थॉट्स जैसे विचार हैं, इमोशंस फीलिंग है, इमेजिनेशन कल्पना है, इमेजरी। ओके, कुछ इमेजरी भी हैं इसमें, पिक्चर्स इमेजरी भी हैं। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? ड्रामा एंड पोएट्री का। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक स्पीच है। क्या है ये? ड्रामेटिक स्पीच। ओके, किसके द्वारा बोली जाती है? केवल एक व्यक्ति के द्वारा। इट हैज़ ड्रामेटिक क्वालिटीज। इसमें क्या होता है? कुछ ड्रामेटिक क्वालिटी भी देखने के लिए मिलती है, जैसे ड्रामेटिक सिचुएशन। ड्रामेटिक सिचुएशन के समान ही कुछ ड्रामेटिक क्वालिटीज भी देखने के लिए मिलती हैं। कैरेक्टर्स हैं, एटमॉस्फेयर है, ओके, पोएटिक क्वालिटीज हैं लाइक थॉट्स, इमोशन, इमेजिनेशन, इमेजरी। तो ये सब हमें किस में देखने के लिए मिलता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग में देखने के लिए मिलता है। ओके, अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट। अच्छा, टी एस एलियट के अनुसार ड्रामेटिक पोएट्री ऑफ फीलिंग्स, कि ये जो ड्रामेटिक पोएट्री है ऑफ फीलिंग्स डज नॉट इंट्रैक्ट बट intensify the dramatic situation। ये dramatic poetry है feeling की। किसकी है? feeling की। does not interrupt but intensify the dramatic situation। okay, it also differ from the soliloquy। ये differ है। differ का मतलब क्या है? बिल्कुल अंतर है, बदली हुई है, change है। ये किससे? soliloquy से बहुत अंतर है इसमें। as it is an extended फ्रॉम ऑफ सोलिलोक्वी। इट इज एन एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑफ सोलिलोक्वी। और ये क्या है? एक एक्सटेंडेड है। किससे? फ्रॉम सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी से एक्सटेंड है। ओके, ओके, नेक्स्ट है सोलिलोक्वी इज ए लाउड स्पीच। अच्छा, सोलिलोक्वी क्या होती है? सोलिलोक्वी होती है तेज आवाज में भाषण देना। ओके, क्या है सोलिलोक्वी? तेज आवाज में भाषण देना। सोलिलोक्वी इज ए लाउड स्पीच ऑफ स्पीकर्स प्राइवेट थॉट्स इन लोनलीनेस, वाइल ड्रामेटिक मोनोलॉग इज द सम एक्सप्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट लिसनर्स। ओके, बोथ एम एट गिविंग द थोरो नॉलेज ऑफ द स्पीकर टू द ऑडियंस। सोलिलोक्वी इज एन अननेचुरल डिवाइस बिकॉज nobody in actual life speaks loudly when he is alone।
वाइल ड्रामेटिक मोनोलॉग इज नेचुरल बिकॉज द इनर मोस्ट फीलिंग्स ऑफ थॉट्स ऑफ द स्पीकर इज एक्सप्रेस्ड एंड सीम्स टू बी साइलेंटली शेयर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट लिसनर. ओके, तो सोलिलोक्वी क्या है? सोलिलोक्वी एक लाउड स्पीच है, मतलब बहुत तेज आवाज में दिए गए भाषण है. ओके, एक बहुत तेज स्पीच है ये, बहुत तेज आवाज में जो भाषण देते हैं. ऑफ स्पीकर्स प्राइवेट थॉट, इसमें जो स्पीकर होता है, स्पीकर कौन होता है? बोलने वाला. उसका जो प्राइवेट थॉट होता है, उसका थॉट तो होता है लेकिन कैसा होता है? प्राइवेट होता है. ओके, इन लोनलीनेस, लोनलीनेस का मतलब क्या? अकेलेपन में बोलता है वो. किस में बोलता है? अकेलेपन में. ओके, वाइल ड्रामेटिक मोनोलॉग इज द सेम एक्सप्रेशन. वाइल, जबकि ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इज द सेम एक्सप्रेशन, सेम यही अभिव्यक्ति होती है इसमें. इन द प्रेजेंस ऑफ द साइलेंट लिसनर्स, इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ द, इन द प्रेजेंस मैंने उपस्थिति में, किसकी? ऑफ द साइलेंट लिसनर. जो लिसनर होते हैं ना वो चुपचाप सुनते रहते हैं और स्पीकर जो है वो बोलता रहता है. ओके, बोथ एम एट गिविंग द थ्रो नॉलेज ऑफ द स्पीकर. बोथ, दोनों का ही उद्देश्य क्या है? गिविंग द थ्रो नॉलेज, कि बस नॉलेज को देना है. नॉलेज को देना है किसके बारे में? ऑफ द स्पीकर, स्पीकर जो बोल रहा है. टू द ऑडियंस, मतलब स्पीकर जो है वो बोल रहा है, उसे बताना है. किसको बताना है? ऑडियंस को बताना है. ओके, सोलिलोक्वी इज एन अननेचुरल डिवाइस. अच्छा, सोलिलोक्वी क्या है? एक अननेचुरल, अननेचुरल का मतलब क्या होता है? अप्राकृतिक डिवाइस, यंत्र है. बिकॉज नो बॉडी इन एक्चुअल लाइफ, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति अपनी एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. स्पीक लाउडली, स्पीक बोलता है लाउडली तेज आवाज में. वैन ही इज एलोन, एक्चुअल लाइफ में अगर कोई व्यक्ति अकेला होगा तो बहुत तेज तेज बोलेगा? नहीं. ही इज एलोन, जब वो अकेला होता है? नहीं. वाइल ड्रामेटिक मोनोलॉग इज नेचुरल, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो क्या है? ये प्राकृतिक है. बिकॉज द इनर मोस्ट फीलिंग, क्योंकि जो अंदर वाली जो फीलिंग होती है, जो भावनाएं होती है, एंड थॉट्स, जो विचार होते हैं, किसके? स्पीकर के. ओके, जो बोल रहा है उसके. इज एक्सप्रेस, वो व्यक्त करता है. एंड सीम्स टू बी साइलेंटली, मतलब अपने विचार को व्यक्त तो कर रहा है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, टू बी साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है. शेयर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट, और वो शेयर भी कर रहा है. बाय द प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति के द्वारा. ऑफ साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट तरीके से. लिसनर, सुनने वाले जो सुन रहे हैं. ओके, तो भाई ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? एक तरीके से कॉम्बिनेशन है ड्रामा एंड पोएट्री का. और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक स्पीच है, जो किसके द्वारा? केवल एक पर्सन के द्वारा बोल सकते हैं. इट हैज़ ड्रामेटिक क्वालिटी, इसमें कुछ ड्रामेटिक क्वालिटी देखने के लिए मिलती है. लाइक ड्रामेटिक सिचुएशन, किसकी तरह? ड्रामेटिक सिचुएशन की तरह. ओके, कैरेक्टर्स हैं, एटमोसफियर हैं, पोएटिक क्वालिटीज़ हैं, लाइक थाट्स, इमोशन एंड इमेजिनेशन एंड इमेजरी. ओके, तो इट ऑल्सो डिफर फ्रॉम द सोलिलोक्वी, और ये बिल्कुल बदली हुई है. अंतर भी देखने के लिए मिलता है. किससे बदली हुई है? सोलिलोक्वी से. एज इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द सोलिलोक्वी. इट इज़ एन एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड है किससे? फ्रॉम ऑफ सोलिलोक्वी से. अच्छा, सोलिलोक्वी जो है इज अ लाउड स्पीच, एक तेज आवाज है. ऑफ स्पीकर्स प्राइवेट थॉट, किसकी? स्पीकर की. स्पीकर कौन है? जो बोलने वाला. स्पीकर का जो प्राइवेट विचार है, जो थॉट है, वो भी किस में? इन लोनलीनेस. लोनलीनेस का मतलब क्या? अकेलापन. अकेलेपन में वो बोल रहा है. वाइल ड्रामेटिक मोनोलॉग इज द सेम एक्सप्रेशन. अच्छा, यही ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है, सेम अभिव्यक्ति है उसमें भी यही है. कि इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ द साइलेंट लिसनर. एक्सप्रेशन इन द प्रेजेंस, मतलब इसमें उपस्थिति दिखाई गई है. ऑफ द साइलेंट लिसनर, और जो लिसनर होते हैं ना, सुनने वाले होते हैं, वो चुपचाप सुनते रहते हैं. अच्छा, बोथ एम ऑफ गिविंग द थ्रो नॉलेज. अच्छा, दोनों का उद्देश्य क्या है? नॉलेज को फेंकना. ओके, नॉलेज को बांटना. ऑफ द स्पीकर,
ऑफ द स्पीकर, किसकी, स्पीकर के जो बोल रहा है, टू द ऑडियंस, किसके आगे पेश करना है, ऑडियंस के आगे, ये सब प्रेजेंट करना है. ओके, सोलिलोक्वी क्या है, एक अननेचुरल है. अननेचुरल का मतलब क्या होता है, अप्राकृतिक डिवाइस, यंत्र है, एक अप्राकृतिक डिवाइस है. बिकॉज नो बॉडी इन एक्चुअल लाइफ, क्योंकि आप जानते हैं एक्चुअल लाइफ जो असली रियल लाइफ होती है उसमें तो व्यक्ति ऐसा नहीं होता है. ओके, नो बॉडी इन एक्चुअल लाइफ, कोई व्यक्ति अपनी एक्चुअल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है. स्पीक्स लाउडली, स्पीक्स लाउडली, बहुत तेज बोलता है. व्हेन ही इज अलोन, मतलब इतनी तेज बोलता है जब वो अकेला होता है, बहुत तेज बोलता है. वाइल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग इज नेचुरल, और ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें कोई बनावटीपन देखने के लिए नहीं मिलता है. देयर इज नो आर्टिफिशियलिटी इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग. ओके, इट्स ए नेचुरल, ये बिल्कुल प्राकृतिक है. ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज नेचुरल बिकॉज द इनर मोस्ट फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ द स्पीकर. अच्छा, जो इनर मोस्ट फीलिंग है, जो हमारी अंदरूनी फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं अंदर हमारे दिल के अंदर, और थॉट्स जो विचार हैं, ऑफ द स्पीकर मन, ऑफ द स्पीकर, स्पीकर जो बोलने वाला है, इज एक्सप्रेस, इसमें व्यक्त की गई है. एंड सीम्स टू बी साइलेंटली, एंड सीम्स टू बी साइलेंटली, और बिल्कुल शांति के साथ प्रतीत होती है. सीम्स टू बी साइलेंटली, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी साइलेंटली शेयर, कि बड़े ही साइलेंट वे में ये शेयर करी जा रही है, बड़े ही साइलेंट, बिल्कुल शांति के साथ शेयरिंग की जा रही है इनकी. वाई द प्रेजेंस, प्रेजेंस माने उपस्थिति में, ऑफ द साइलेंट लिसनर, जो सुनने वाले हैं, तो उनके सामने क्या करी जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है. ओके, सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम द सोलिलोक्वी एज इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सोलिलोक्वी. ओके, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री. ओके, थैंक यू.